हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया जॉब का एडवर्टाइजमेंट लेकर आया हूँ जो कि मेघालय गवर्नमेंट की तरफ से है। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स जानने के लिए प्लीज़ वीडियो पर पूरा बने रहे और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय, मेघालय स्टेट वाटर सेट एंड वेस्टलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से ये वैकेंसी आया है। ठीक है, मेघालय शिलोंग से, और ये एडवर्टाइजमेंट करीबन 1 फरवरी को ही रिलीज़ किया था। ठीक है, तो थोड़ा अपडेट करने में लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो एडवर्टाइजमेंट में लिखा है द मेघालय स्टेट वाटर सेट वेस्टलैंड डेवलपमेंट एजेंसी इज इम्प्लीमेंटिंग द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट फॉर कम्युनिटी ऑन स्मॉल मल्टीपर्पज रिजर्वेशन इन मेघालय। ठीक है, तो ये वैकेंसीज मेघालय स्टेट वाटर सेट एंड वेस्टलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से है। ठीक है, और वैकेंसीज की पोस्ट का नाम कुछ ऐसा है, नेम ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट एंड नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट पे मैनेजर टेक्नीशियन, इसके लिए आप लोगों को एमटेक होना पड़ेगा, मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस आप लोगों का सही है। जॉब लोकेशन शिलोंग। तो 2 नंबर पोस्ट पे है मैनेजर टेक्नीशियन, उसका भी पोस्ट है 1। तो ये दोस्तों इन सब वैकेंसीज के लिए एमटेक, पोस्ट ग्रेजुएट ऐसा कुछ चाहिए। ठीक है, तो थर्ड नंबर पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर, इसके लिए आप लोगों को बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग पे होना पड़ेगा और प्रेफरेंस शैल बी कैंडिडेट विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है नंबर 4 पे फील्ड इंजीनियर, पोस्ट है 16 और इसके लिए आप लोगों का क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद 5 नंबर पर है प्रोग्राम एसोसिएट मॉनिटरिंग, इसके लिए सिर्फ आप लोगों को ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ठीक है, और मिनिमम इसके लिए 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है प्रोग्राम एसोसिएट फाइनेंस एंड अकाउंटेंट्स के लिए 14 पोस्ट है, इसके लिए भी ग्रेजुएट होना पड़ेगा मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है प्रोग्राम एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्स, उसके लिए नंबर पोस्ट है 1, उसके लिए भी ग्रेजुएट चाहिए मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है प्रोग्राम एसोसिएट, इसके लिए भी पोस्ट है 1 और इसके लिए भी चाहिए ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन और इसके लिए भी चाहिए मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, तो नेक्स्ट पोस्ट पे है प्रोग्राम एसोसिएट GIS, उसके लिए पोस्ट है 14, इसके लिए भी ग्रेजुएट एनी ग्रेजुएट और इसके लिए भी 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है ड्राइवर, ड्राइवर के लिए 15 पोस्ट है। ठीक है, और इसके लिए चाहिए सिर्फ 8 पास। ठीक है, 2 इयर्स ऑफ सिमिलर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट स्टेट या कोई भी 2 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए आप लोगों का, साथ ही एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, उसके बाद पोस्ट है मल्टीटास्किंग असिस्टेंट, इसके लिए पोस्ट है 15 और इसके लिए भी चाहिए सिर्फ 8 पास। ठीक है, 1 ईयर एक्सपीरियंस एस पीओन सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी, तो यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों से मांगा है, तो आई पे भी जाके 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के आप लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हो सकती हो। ठीक है, तो दोस्तों ये था कुछ वैकेंसीज का डिटेल्स और यहाँ पे नीचे लिखा है नोटिफिकेशन एंड प्रेस्क्राइब, जो कि ये यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन किया हुआ है। और दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए आप लोगों को या तो खुद जाना पड़ेगा या तो बाय पोस्ट या तो ईमेल के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म उन लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया है, तो आप लोगों को ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा या तो बाय पोस्ट या तो खुद ऑफिस पे जाके। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि उन लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ किया है। आप लोग वहाँ पे जाके सीधा एप्लीकेशन का फॉर्म डाउनलोड करके एप्लीकेशन को फिलअप करके आप लोगों को हेड ऑफिस पे आप लोगों को बाय पोस्ट या तो खुद जाके सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, उसके बाद एप्लीकेशन को फिलअप करना, उसके बाद अपना जो भी डॉक्यूमेंट है सब एक एक कॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके एक एनवेलप पे फिल करके आप लोग बाय पोस्ट भेज सकते हो। ठीक है, तो अगर बाय पोस्ट नहीं भेजेगा तो आप लोग खुद ब खुद जाके ऑफिस पे जाके उन लोगों के हेड ऑफिस पे जाके आप लोग खुद से सबमिट करके आ सकते हो। ठीक है, तो नीचे और कुछ यहाँ पे हेड क्वार्टर्स का मेन एड्रेस दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो
तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग बाई पोस्ट एप्लीकेशन को भेजना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है द डायरेक्टर ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन फोर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर लोअर लक्ष्मीरी शिलोंग। तो ये था शिलोंग के लिए एड्रेस, जो 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 भी शिलोंग एड्रेस पे अप्लाई करना चाहते हो तो ये एड्रेस पे सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पे लिखा है द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ब्रांच डायरेक्टोरेट डाकोपगिरी टूरा, ठीक है। और अगर आप लोग टूरा एरिया से अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए ये एड्रेस दिया हुआ है। आप लोग इस एड्रेस को नोट करके यहाँ पे बाई पोस्ट या तो खुद जाके एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एड्रेसेस आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट मार के आप लोग रख लेना, ठीक है दोस्तों। तो इसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 21 फरवरी 2022, ठीक है। आप लोगों के पास करीबन 15 डेज है आप लोगों के लिए, तो आप लोग जल्दी से फटाफट एप्लीकेशन को फॉर्म डाउनलोड करके सबमिट कर लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे भी और कुछ वैकेंसीज का डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सेम यहाँ पे भी वही मैनेजर टेक्नीशियन, यहाँ पे भी फील्ड इंजीनियर प्रोग्राम एसोसिएट, उसके बाद प्रोग्राम एसोसिएट फाइनेंस, उसके बाद एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्स, तो ऐसा कुछ सेम वैकेंसीज दिया हुआ है दूसरे हेडक्वार्टर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो ड्राइवर का पोस्ट है, और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो मल्टीटास्किंग असिस्टेंट, यहाँ पे मल्टीटास्किंग का वैकेंसी है, ठीक है। तो इन टोटल 99 वैकेंसीज आप लोगों के लिए ओपन हो चुका है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करते हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके सीधा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यही था कुछ डिटेल्स जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने आप लोगों को बता दिया। वीडियो को देखे कुछ हेल्प हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।